.com डोमेन आप सिर्फ 100 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में मेरे पास बहुत कमेंट्स आए कि भाई इसे ब्लॉगर के साथ कैसे कनेक्ट करें, वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करें, एक साल के बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये वेबसाइट ट्रस्ट करने लायक है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, अगर एक साल के बाद आपको ये महंगा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, और ये मैं अपने फर्स्ट वाले वीडियो में भी बता चुका था। अब ये वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं, अब इसका तो मैं आपको यही सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इससे एक डोमेन नेम परचेज कर लिया है technovedan.uk और इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में काम भी करूंगा। आप कुछ टाइम देख सकते हैं अगर मेरी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स ये वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है, तो आप इसके ऊपर डोमेन नेम ना ले। पर ये ऑफर कब तक रहेगी ये मुझे पता नहीं, मैंने इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करके ही डोमेन नेम परचेज करा है, बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है इस वेबसाइट में, यहां से आपने इस वेबसाइट में लॉगिन करना है, माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्ट में जैसे ही आप पॉइंटर लेके जाएंगे सबसे नीचे आ रहा है माई सपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ओपन अ न्यू टिकट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां से आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, अपना जो डोमेन नेम है उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं डोमेन्स की बात कर रहा हूं, तो डोमेन्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप अपना मैसेज लिखेंगे और क्रिएट टिकट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब मेन बात आती है कि जो मेरे ब्लॉगर यूज करने वाले भाई है और वो चाहते हैं कि इस डोमेन नेम को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करे तो वो कैसे होगा, और वर्डप्रेस वाले मेरे भाई भी यही सोच रहे होंगे। दोनों का सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं ब्लॉगर के लिए बताऊंगा, यहां से आपने आइकन पे क्लिक करना है, माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जो डोमेन नेम आपने परचेज करा है वो सबसे ऊपर शो कर रहा है, उसके आगे मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर आप देखेंगे ऑटो रिन्यू इसका ऑन है, सबसे पहले तो आप इसे ऑफ करें क्योंकि अगर आप इसे ऑफ नहीं करेंगे तो एक साल के बाद ये अपने आप रिन्यू हो जाएगा, मतलब अगर ये 1500, 1600 या फिर हो सकता है 1800 के आसपास भी पैसे होंगे तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। यहां से मैंने इसको ऑफ कर दिया और यहां पर देखेंगे एडवांस डोमेन सेटिंग्स, इसके नीचे मैनेज DNS लिखा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगी, बेसिक और एडवांस्ड, एडवांस्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ एंट्रीज मिल रही है, कुछ IP एड्रेस मिल रहे हैं और सबसे नीचे लिखा है डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। अगर इस वेबसाइट से आपने सिर्फ डोमेन परचेज करा है और उसे आप अपने ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़ेंगे। यहां से डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स के ऊपर मैंने क्लिक करा और कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहां पर आप देखेंगे मेरे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, यहां पे ऐड का बटन है, होस्ट नेम में आपने @ लिखना है, यहाँ पे आप ए रहने दे और यहाँ पे आपने ये वाला IP एड्रेस लिखना है। ये कहां से मिलेगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद आपने ऐड का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे आपने @ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप ये IP एड्रेस डालेंगे, फिर से आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 IP एड्रेस DNS एंट्री में ऐड कर चुका हूं। होस्ट नेम पे अब यहाँ पर आपने www लिखना है और यहाँ से आपने CNAME को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप ये टाइप करेंगे। उसके बाद मैंने फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करा, इतने में आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं ऑलरेडी ब्लॉगर के अंदर लॉग इन कर चुका हूँ, जिसमें मेरी जो ब्लॉगर का एड्रेस है वो है technovedan.blogspot.com, इसी को मैं चेंज करूंगा। यहां से आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने कस्टम लिखना है, कस्टम डोमेन की ऑप्शन आ जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ पे आपने एक कोड लिखना है, CNAME को ऐसे ही सिलेक्ट रहने दे। उसके बाद फिर से एक कोड लिखने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डोमेन नेम है उससे पहले www. जरूर ऐड करें, उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी सारी सेटिंग सेव हो चुकी है और यहां से मैं अपने ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे अभी एरर आ रहा है और यहां से रीडायरेक्ट की जो आपको ऑप्शन मिल रही है इसको आप यहां से ऑन जरूर करें, पेज को नीचे करें। अगर HTTPS आपका ऑफ है तो इसको भी आपने एनेबल करना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको 48 घंटे लगभग 2 दिन कहते तो है पर उससे कहीं ज्यादा पहले ही आपका ब्लॉग लाइव हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे जो इसके अंदर मैंने IP एड्रेस और ये सारे कोड ऐड करे ये आपको कहां से और कैसे मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स गूगल की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये सारे IP एड्रेस दे दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल की ही ये वेबसाइट है जहां पे इन्होंने क्लियर डिटेल्स लिखी है, जो IP एड्रेस मैंने ऐड करे वो सारे यहाँ पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये सारे लिंक दे दूंगा, आपने इसी टाइप से करना है।
यहां पर आप देखेंगे www cname और उससे पहले ये वाला कोड cname और उसके बाद ये वाला कोड, बिल्कुल इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब इसको हम वर्डप्रेस में कैसे करेंगे, वर्डप्रेस में करना बहुत आसान है, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, पर इसके अंदर नेम सर्वर कहां से चेंज होगा सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आप अपने डोमेन वाले पेज में आ गए, यहाँ पे ब्लॉगर के लिए अभी हमने सेटिंग करी थी, इसके आगे आपको एक ऑप्शन मिल रही है चेंज नेम सर्वर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी नेम सर्वर है उसे आप डिलीट करेंगे और आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से जो नेम सर्वर मिले होंगे उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप डोमेन नेम कैसे परचेज करेंगे, सी पैनल में उसे कैसे ऐड करेंगे, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, नेम सर्वर कैसे चेंज करेंगे, ये सब जानने के लिए आपको यूट्यूब ओपन करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल टेक्नो वेदांत लिखना है। आप ये जो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख रहे हैं इसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई है, डोमेन कैसे खरीदे, वेब होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करें, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, इसी वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। बस नेम सर्वर चेंज करने के लिए जो भी आपका डोमेन नेम प्लेटफॉर्म होगा उसी के अंदर जाके आपको नेम सर्वर चेंज करना है, बाकी सारा वीडियो आप देख के इजिली समझ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।